अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये बायोडर्म का जो सनस्क्रीन है इसका। ये मैं एक जो इसकी पैकेजिंग है वो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। ये अभी अभी मेरी नई डिलीवरी आई है। ये मैंने आस्टर फार्मेसी से मंगवाई है। यहाँ मैं दुबई में रहती हूँ तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हर फार्मेसी पे इजीली मिल जाती हैं। तो ये 40 ml है और ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल, और इसमें जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं स्किन के लिए। बायोडर्मा का जो प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं बाकी ब्रांड्स की निस्बत, लेकिन इसकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। ये एंटी स्पॉट जो है इसके साथ जो है वाकई में स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो मुझे फ़ील हुआ है। तकरीबन मैंने 3 months यूज़ की है क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैंने इतना कहीं बाहर एक्सपोजर नहीं होता मेरा, इसलिए बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही यूज़ करती हूँ मैं। तो मैं ये तकरीबन 3 months जो है वो यूज़ हो गई थी। तो अभी मैंने नई ये ऑर्डर की है। इसमें विटामिन सी है जो कि स्किन के एंटी एजिंग और एंटी स्पॉट्स और सारे इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आपके सॉर्ट आउट करता है। विटामिन ई भी है इसमें और बाकी और भी काफ़ी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं स्किन के लिए। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी। मेरी एक्चुअली सेंसिटिव स्किन है तो मैं हर प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ स्किन के ऊपर। तो मुझे बहुत जल्दी रेडनेस और इचीनेस का इशू हो जाता है, पिंपल्स वगैरह भी निकलना शुरू हो जाते हैं अगर मैं कोई ब्रांड इस तरह का यूज़ करूँ जो सेंसिटिव स्किन के लिए ना हो। तो ये ऑयली स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इवन सेंसिटिव स्किन के जो लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी शाइनी सी होती है लेकिन ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करती, आपकी स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करती है और 8 hours तक आप को सन प्रोटेक्शन देती है। 50+ इसमें SPF है जो कि आपको यूवी रेजेस से बचाता है। तो ये वाकई में बहुत मज़े की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। तो अभी मैं आपको इसका जो है अभी प्राइस जो है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये 79 dirham में मैंने मंगवाई है। एक्चुअली ये ऑफ़र में मुझे मिली है, वैसे इसकी डबल कीमत में मिलती है। ये 79 dirham में मैंने बाय की है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या आप अपनी करेंसी को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये वैसे इसकी प्राइस जो है इससे डबल होती है। आई थिंक ये 151 dirham की है लेकिन ये ऑफ़र लगी हुई थी तो मैंने जल्दी से इसको बाय कर लिया क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट फर्स्ट वाली जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा ऑफ़र है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो इसलिए मुझे 79 dirham में मिली है ये। तो अभी आपको मैं इसका टेक्स्चर और इसकी एप्लीकेशन जो है वो अपने फेस के ऊपर लगा के आपको दिखाती हूँ। तो अच्छा जी, ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे इस तरह से लगा के दिखा देती हूँ अपने फोरहेड पे। आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो अगर मैं इसको आपको अब्सॉर्ब करके दिखाऊँ ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि इसके ऊपर प्रोडक्ट के मेंशन किया गया है कि ये फ़ौरन अब्सॉर्ब हो जाती है और आपको वाइट कास्ट जो है वो नहीं छोड़ती जैसे बाकी के आपके सनस्क्रीन होते हैं, उसके साथ फेस बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा फील होना शुरू हो जाता है। तो ये अब्सॉर्ब होने के बाद बिल्कुल ड्राई होती है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है और बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि आपने कोई चीज़ फेस पे लगाई है। तो मेरे ये हल्के से स्पॉट्स हैं यहाँ पे एक्नीस के, तो ये पहले काफ़ी डार्क थे तो ये अब काफ़ी लाइट हो चुके हैं। बहुत क्लोज मैंने किया हुआ है कैमरे को, इस वजह से ये आपको नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ थोड़ा फासले पे होता है तो बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आते हैं। तो ये जैसे आप देखें मेरे हाथों के ऊपर भी बिल्कुल भी इसकी कोई चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल भी ना वाइट कास्ट आपको इसके साथ शो होगी और बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आपने फेस के ऊपर कुछ लगाया है। और ये इसके साथ आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बेस जो है उसको भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखती है और इवन आप इसको गर्मियों में अगर यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर अगर आप कोई हल्की सी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी अगर हल्का सा कुछ टिंट वगैरह लगा लेते हैं तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और मेरे ख्याल से इसके साथ आपको प्राइमर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके
ओपन पोर्स का इशू है आपको या आपके एक्नीज वगैरह का इशू है तो आप हल्का सा कंसील कर लें इसको लगाने के बाद, तो आपको और कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ स्किन वैसे ही बड़ी ग्लोई सी लगती है, बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, लेकिन ये टेक्स्चर इसका ऐसा है क्रीमी सा, बहुत ही सॉफ्ट है, लाइट वेट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।